हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्टोनिक केस। और ये वीडियो में मैंने आप लोग के लिए एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है स्विच। जी हाँ, ये डॉक्टर फोन की तरफ से आपको मिलता है, जहाँ पे अगर आप कोई नया स्मार्टफोन परचेस करते हैं, अगर आपको एक फोन से दूसरे फोन में अपनी वन क्लिक के अंदर डेटा को ट्रांसफर करना है, चाहे वो किसी भी टाइप का डेटा हो, आप यहाँ पे जो वो कर सकते हैं। अच्छी बात ये कि आप iOS से Android, Android से iOS भी यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोग को शेयर इट या वगैरह वगैरह ज्यादा हेक्टिक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको इस एप्लीकेशन के जरिए वन क्लिक के अंदर आप एक साथ मार्क कर सकते हैं और यहाँ से वहाँ जो वो डेटा आसानी से फुल स्पीड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोग को बता दूंगा कि इस एप्लीकेशन को आप कैसे जो वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को लिंक दिया हूं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जा सकते हैं और आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले दो ऑप्शन मिलते हैं, आप इसको ट्रायल वर्जन भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप इसको परचेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे तो सामने की तरफ इसकी चार मेन हाइलाइटिंग फीचर मेंशन है। आप यहाँ पे iOS से Android या फिर Android से iOS में वन क्लिक में अपनी सारी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन से डेटा यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल क्लिक थ्रू प्रोसेस है, और साथ में यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप iOS 11 अगर आपका वर्जन है और Android 8 है तो वो भी यहाँ पे जब कंपेटेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगी कि एप्लीकेशन को कैसे आपको जो भी यूज करना है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप इरेस, रिपेयर, रूट, अनलॉक वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो फोकस करने वाले हैं वो है स्विच। जी हाँ, देखेंगे आप कॉपी डेटा फ्रॉम वन फोन टू अनदर। आप जैसे कि स्विच पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। आपको ध्यान रखना है आपको दो फोन को यहाँ पे जो साइमल्टेनियसली कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक स्मार्टफोन का और एक दूसरा एक माइक्रोमैक्स का फोन यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हो। यहाँ पे अच्छी बात यह कि आप देखेंगे आपको फ्लिप का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं फ्लिप करता हूं तो इस फोन से इस फोन में या फिर इस फोन से इस फोन में, यानी कि आप घुमा फिरा के भी जो वो कर सकते हैं। अगर जिस फोन से आपको उस फोन में ट्रांसफर करना है आप यहाँ पे आके वो भी जो वो कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स, टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल लॉग्स वगैरह जो वो ट्रांसफर करने का ऑप्शन देता है। मैं यहाँ पे ज्यादा जंबल नहीं करूंगा वरना मेरे सारे डेटा यहाँ से वहां हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेजेस और कैलेंडर का यहाँ पे जो वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप जब फोन कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अच्छी बात यह कि सेकंड वाले टैब के अंदर आपको नीचे की तरफ ऑप्शन देता है कि क्लियर डेटा बिफोर कॉपी। अच्छी बात है कि नया फोन रहेगा तो आप डायरेक्टली क्लियर डेटा करेंगे और डायरेक्टली इसको कॉपी भी कर सकते हो, तो ये एक अच्छा फीचर है। आपको स्टार्ट ट्रांसफर करना है और कुछ ही पल के अंदर ही आपके डेटा को यहाँ से वहां जो ट्रांसफर कर देता है। अब ये मुझे बोल रहा है कि प्लीज कंफर्म पॉपअप विंडो ऑन योर फोन, तो मेरे फोन में एक पॉपअप विंडो आया, मुझे उसको जो कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जो कंफर्म किया और आप देखेंगे फटाफट से ये सारे के सारे डेटा को जो ट्रांसफर करें। देखिए आप कितनी फास्ट इसकी स्पीड है। तो मैं अभी ज्यादा मेरे डेटा को यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर से आपको ये यस करने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पे फिर से जो यस कर लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो मेरे सारे के सारे यहाँ पे डेटा जो वो ट्रांसफर हो गया। आप देखेंगे फेल टू ट्रांसफर जीरो दिखा रहा हूँ, सक्सेसफुल यहाँ पे जो वो हो चुका है। इस तरीके से आप आसानी से एक फोन से दूसरे फोन में अपने डेटा को जो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप जाइए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, मेरे हिसाब से आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन जो हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये एप्लीकेशन पसंद आता है, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही फ्यूचर में यूजफुल एप्लीकेशन वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।